सोमवार को छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालयों में दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिलासपुर के जमुना प्रसाद वर्मा महाविद्यालय में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा को केवल शिक्षा नहीं बल्कि अपने भविष्य के तौर पर सोच कर चले तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया, ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभी 2024 में ही इस सत्र से ही नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है, तो उसके तहत बहुत परिवर्तन हो रहा है। पहले ज़माने में जो परंपरावादी परंपरा ढंग से जो अध्ययन के कार्य संपन्न होते थे, केवल कला वाले कला से ही संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे, साइंस के विद्यार्थी साइंस के ही विषयों को टच करेंगे और उसी प्रकार के कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स के विषयों को ही जानें। इससे एक पक्षी या एकांगी उनका विकास होता था और अभी की स्थिति में कहा गया कि नहीं, बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करें, उनके व्यक्तित्व का जब सर्वांगीण विकास करें तो उस स्थिति में उसे प्रबंधन की भी जानकारी होना चाहिए, उसे जल प्रबंधन की भी जानकारी होना चाहिए, उसे नवाचार भी उनके भीतर आना चाहिए, वो रोजगार के लिए लोगों के सामने जाए ना बल्कि खुद रोजगार विकसित करने का काम करें। इन सारी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा रही है ताकि उसमें कौशल विकास हो और जब व्यक्ति का कौशल विकास होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये व्यवस्था बेहतर होगी, सुधरेगी और नवयुवक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसको जानकारी देने का ये कार्यक्रम संचालित की जा रही है। पाठ्यक्रम में जिसे कैरिकुलम कहते हैं उसमें परिवर्तन आया है, उसको जानकारी हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नई शिक्षा नीति, मैंने पहले ही कहा कि ये रोजगार रोन्मुखी नई शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने का, परिवर्तन ये है कि मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी विद्यार्थी जिसमें भी जिज्ञासा रहता है, वो साइंस के क्षेत्र में या कॉमर्स के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जिस चीज़ को भी वो पढ़ना चाहते हैं उसके प्रति जिज्ञासा रखते हैं तो उसमें जा कर के वो अध्ययन कर सकते हैं। पहले होता था केवल एक ही मार्ग को अपनाए, जिसको चयन कर ले 12th के बाद और उसको आगे बढ़ करके पढ़ते थे, अभी सभी तरफ वो जा सकते हैं। तो एक प्रकार के बच्चों का चौमुखी विकास करने के लिए ये योजना संचालित की गई है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।